गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 4:08। आज है 21 तारीख, 21 मार्च 2023। और मुंबई में यार गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, मतलब दिन के समय में भी 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है, मार्च में भी। तो सोचो अभी हाल है तो बाद में क्या होगा। तो भाई एक छोटी सी ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप प्लान करी है अभी मैंने। यहाँ से मैं मुंबई से जा रहा हूँ थोड़ी सी ऐसी जगह पे जहाँ माहौल थोड़ा ठंडा हो, समझ रहे हो, गर्मी थोड़ी कम हो। और बाय द वे ये ट्रिप एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, तो आपको रास्ते में चलते चलते बताऊंगा मैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसने मुझे बुलाया है। चलो बता ही देता हूँ, कैप्शन तो देख ही लिया होगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल बागडोगरा, ठीक है। वहाँ से मुझे पहुँचना है मिरिक, और मिरिक को हम एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जाएगा, जहाँ पर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया जाएगा। बाकी ये दो बैग हमारे रेडी हो चुके हैं। ये वाला बैग पैक है जिसमें सारे कपड़े वगैरह मैंने रखे हैं, और ये वाला बैग हमारे कैमरे का बैग है जिसमें कैमरा एक्सेसरीज वगैरह मैं हमेशा कैरी करता हूँ। तो सब कुछ सेट है। बाकी अभी 8:10 हो रहा है, हमें यहाँ से निकलकर फ्लाइट पकड़नी है अपनी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 1 में मुंबई में। तो 6 बजे तक वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड बाकी बातें हम करेंगे रास्ते में। आओ गाइज, अभी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर मैं आ गया हूँ और हमारा चेक इन भी हो गया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। फिलहाल अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 8:10 की फ्लाइट है। बाकी मुंबई एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं बागडोगरा। अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा ही है। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं वेस्ट बंगाल को एक्सप्लोर करने के लिए, तो न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी स्टेशन पे आप जाकर वहाँ से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल आधे घंटे बाद यहाँ से फ्लाइट निकलेगी, उसके बाद मैं आपको आगे ज्वाइन करूँगा और सीधे बागडोगरा पहुँच के फिर अगली अपडेट आपको दूंगा, ठीक है। स्टे ट्यून। फिलहाल जो हमारी सीट है वो 21F है, तो सबसे पहले हमारी एंट्री हुई है 21F विंडो सीट। और मुंबई में बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप ये जैसा अनाउंसमेंट हुआ, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ से सीधे बाहर पहुँच कर फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। बागडोगरा से बाहर निकल कर आ गया हूँ मैं, और विवेक भाई मेरे को रिसीव करने आए हैं, इन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। तो अभी गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करने आए हम यहाँ पर और कौन सी जगह पर जाना है। मौसम बहुत अच्छा है अभी, देख लो ऐसा कितने खूबसूरत बादल दिख रहे हैं इस समय। रात में हो जाती होगी अच्छी खासी ठंड। तो अभी विवेक भाई के साथ हम जा रहे हैं यहाँ से अमायरा रिजॉर्ट एंड फार्म। मिरिक, मिरिक आता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट से कुछ 40-45 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी से आते हैं तो कुछ 50 या 55 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। पहाड़ों के रास्ते हैं तो मुझे लगता है कि फिर 1-1.5 घंटे तो लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। पिछली बार भी आए थे तो हमें देखे थे यहाँ पर टी गार्डन, बहुत ही खूबसूरत। बागडोगरा से अगर आप मिरिक की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको ढेर सारे ऐसे टी गार्डन दिखेंगे। हम लोग बागडोगरा से हार्डली 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे, 10 भी नहीं बढ़े होंगे, और यहाँ पर एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया। मौसम ठंडा ठंडा फील होने लगा, स्किन में ठंडी ठंडी हवा लगने लगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये खूबसूरत सी रोडें हैं। ओके ओके श्योर, मैं उधर आपको वेट करूँगा। चलो अरूप, मिलते हैं फिर। हाँ ओके ब्रो। तो भाई यहाँ पर हम रुके हुए हैं अरूप से मिलने के लिए, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, सिलीगुड़ी में रहते हैं और यूट्यूबर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और बाइक राइड भी करते हैं वो। तो उनका वेट कर लेते हैं, भाई साहब आते हैं तो उनसे मिलते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मिरिक के लिए। और जब मैं बागडोगरा में था तो कितनी धूप निकली हुई थी, देख रहे हो, और अभी हाल देखो क्या है। ये देखो बारिश शुरू हो गई, फॉग आ गया, यही है खासियत दार्जिलिंग की। वाह बहुत अच्छा मौसम है यार।
सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं दूधिया में। दूधिया से कुछ 25 किलोमीटर और आगे मेरिक में हमें जाना है, लेकिन यहाँ पर हम रुके हैं अरूप से मिलने के लिए। कॉल में रॉकी रॉकी तो ये भाई सिलीगुड़ी में रहते हैं, राइडर है। देखो इनकी बाइक देख लो, एकदम टनाटन है। तो बिल्कुल फुल राइडर वाले गियर्स में ही आए सारे पहन के। बारिश हो रही थोड़ा अंदर आ जाते हैं, कैमरे में पानी चला जाएगा। भाई का भी बाइक है, नया बाइक है। इंस्टाग्राम में काफी दिनों से हमारी बात हो रही थी, तो ये इन्होंने बोला कि भाई अगर दोबारा आप आते हो दार्जिलिंग में आसपास कहीं पे भी तो बिना मिले जाना नहीं। तो वैसी बातों में प्लान बन गया, अब यहाँ पर आना हो रहा था मेरा, तो मैंने कहा भाई से मिल ही लेता हूँ। और भाई देवे अरूप का चैनल है मिसिंग गियर, तो जाकर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। कितना किलोमीटर है सिलीगुड़ी? 25 किलोमीटर दूर ये राइड करके आए भाई मिलने के लिए, तो ये वाकई में बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। थैंक यू भाई। ये है दुधिया का नया ब्रिज। अच्छा, आप जब मिरिके टाइप जाएंगे, मिरिके साइड में जाएंगे, वहाँ पे आपको दुधिया का पुराना वाला ब्रिज दिखेगा। ये है बालासन रिवर और लेफ्ट में आपका होगा कौन सा रिवर? ये बालासन रिवर के ब्रिज के ऊपर अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं। बाकी सीनिक ब्यूटी तो आप देख ही रहे हो, चारों तरफ है क्या नदी बह रही, पीछे माउंटेन्स है और फॉग भी हल्का हल्का दिख रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छा वेदर है, बस बारिश ना हो रही होती है ना तो बहुत ही मजा आ जाता है शूट करने में। अगर शूट नहीं करना तो बारिश का भी मजा अलग ही है, है ना। एक्चुअली दिस इज द ओरिजिनल वेदर ऑफ दार्जिलिंग एंड इन नॉर्थ बंगाल। आप जितना ऊपर जाएंगे ना उतना आपको कोहरा मिलेगा रास्ते में। बिल्कुल। और लास्ट टाइम भी मैं अभी आया था दार्जिलिंग 6 महीने पहले, तो सबने यही बोला जितने भी लोकल थे कि भाई दार्जिलिंग के मौसम का भरोसा नहीं है, चुटकी में एकदम फॉग हो जाएगा, उसकी थोड़ी देर में बारिश होने लगेगी, फिर मौसम खुल जाएगा। तो मतलब सेकंड में, मिनट में मौसम चेंज होता रहता है यहाँ पे, और यही यहाँ की खासियत है। तो अभी हम लोग भाई से ज़रा सी ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद अभी प्लान करते हैं। 2-3 दिन में हम यहाँ पर हैं, तो दूसरे तीसरे दिन में वापस से कनेक्ट करेंगे और कुछ प्लान करेंगे आसपास की कोई अच्छी जगह को, ऑफबीट जगह को एक्सप्लोर करने का। ठीक है भाई, चलो नाइस मीटिंग यू। अच्छा लगा आप यहाँ से आए, 26 किलोमीटर भाई राइड करके आए, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अभी आ रहे हैं लोनावाला के ऊटी। अच्छा, हम भी ऊटी आ रहे हैं, आने वाले हो मानसून में? बहुत बढ़िया, ठीक है, तब मिलेंगे वहाँ। बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। चलो भाई, मिरिक यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर है अभी। अब दूधिया के आगे से जो रास्ता है मिरिक तक जाने का, वो ऐसे ही आपको मिलेगा, पूरी जिगजैग वाली रोड है, दोनों तरफ टी गार्डन दिखेंगे और पूरा माउंटेन आपको चढ़ना है इस पे। मिरिक जाने के रास्ते में एक व्यू पॉइंट मिल गया बहुत अच्छा सा, तो मैंने विवेक भाई को बोला कि गाड़ी रोको जरा, यहाँ पर कुछ अच्छे विजुअल्स कैप्चर कर लें। और सामने लिखा हुआ आई लव मिरिक और पीछे का जो सीन है ना भाई, अल्टीमेट फुल ऑन फॉग। ये व्यू पॉइंट इतना गजब का है ना, पूरा रोड टर्न हो रहा है, यू टर्न टाइप का बना हुआ है और फॉग थोड़ा बहुत गिर रहा है, तो वो भी बहुत इन्हांस कर रहा है इस ब्यूटी को, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। फिलहाल तो अभी मैं मिरिक पहुँचना ऊपर, लेकिन आज या कल आकर यहाँ से कुछ अच्छे विजुअल्स हम कैप्चर करेंगे ड्रोन से, तो आपको दिखाऊंगा मैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ड्रोन फ्लाई करते हैं तुरंत बारिश तेज हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है बाबा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हाल देखो बाहर, ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बजने वाले हैं। बिल्कुल अंधेरा हो गया और सिर्फ फॉग दिख रहा है, बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये जो रास्ता जाता है दार्जिलिंग के लिए जाता है? बाईपास रोड बाजार से भी निकलते हैं, लेकिन थोड़ा जाम होता है। मेरिक से जो दार्जिलिंग का डिस्टेंस है वो कुछ 40-45 किलोमीटर का है। तो मोस्टली क्या होता है, जो दार्जिलिंग घूमने आता है तो वो मेरिक आता ही आता है, मेरिक में घूमने के लिए जो भी टूरिस्ट आते हैं। मैं लास्ट टाइम आया था तो मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मुझे सिक्किम पहुंचना था, वेस्ट सिक्किम एक्सप्लोर करना था। तो दार्जिलिंग में मैंने सिर्फ 2 दिन दिए और दार्जिलिंग की आसपास की जगह जो टूरिस्ट स्पॉट है वो देखा। लेकिन इस बार हम दार्जिलिंग में आए हैं, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत ज़्यादा ऑफबीट जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा, बहुत नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और बहुत मज़ा आने वाला है। आगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हमें आना था, अमायरा रिजॉर्ट एंड फार्म। हेलो, क्या नाम है आपका? भारत बोरा जी। एकदम फॉग ऑफ कर रखा है यहाँ पे? हाँ, आज थोड़ा ज्यादा है सर। थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हेलो, थैंक यू सो मच। मैं लास्ट टाइम जब सिक्किम में ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा, तो ये चीज़ मैंने नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सप्लोर की थी जब मैं आसाम में ट्रैवल कर रहा था। गमोशा बोलते हैं उसको, ऐसी होता है नेपाली कल्चर है, खादा बोलते हैं इसको, खादा बोलते हैं। तो जब आप आते हैं यहाँ पर नेपाल में किसी के घर पे या कोई आपको वेलकम करता है तो इसी तरह से आपको वेलकम किया जाता है, तो एज अ रिस्पेक्ट इसे कैरी करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ये स्नेहल जी हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टी है, इन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है मिरिक, जितना हम देखते हुए हैं वो तो मतलब थोड़ा बहुत ही देखा, बाकी हम इसे और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल सामान अमान सेट कर देते हैं फिर हम बातें करते हैं, ठीक है? ओके, ये हमारा रूम। यहाँ से कंचनजंगा का व्यू आता है? Yes. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह यार। बाकी ये बालकनी का व्यू आप देखो, यहाँ से जो नजारा है ना बहुत बहुत अच्छा है। हालांकि पीछे टेरेस भी है, वहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। यहाँ पर पीछे दो चेयर्स भी रखी हुई, तो सोचो अगर सुबह सुबह जब उठोगे आप और कॉफी का मग हाथ में लेके यहाँ बैठोगे और इतने खूबसूरत नजारों को देखते हुए इंजॉय करोगे, क्या मजा आएगा। तो ऐसा कुछ है, रूम बहुत ही वेल मेंटेन, बहुत ही क्लासी इंटीरियर है इसका आप देखोगे तो। सबसे अलग बात और या फिर यूं कहो कि सबसे क्रिएटिव बात यह कि यहाँ पर जितने भी रूम है ना सब अलग अलग थीम पे बने हुए हैं। जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर जो थीम दी है बुद्धा की थीम दी है, मतलब यहाँ पर आपको हर जगह बुद्धा की पेंटिंग दिखेगी। ऐसे और भी अलग अलग रूम है, मतलब कि बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से हर रूम को अलग अलग तरीके से डेकोरेट किया गया है। बाथरूम भी देख लो, बहुत अच्छी खासी स्पेस है और बहुत ही लग्जरी वॉशरूम है। इतना बड़ा मिरर भी लगा हुआ है, देखो। चलो बाहर आ जाते हैं। और इतना तो श्योर है कि यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो बिल्कुल निराश होकर तो नहीं जाओगे। मतलब मुझे ऐसी जगह पर्सनली बहुत पसंद आती है, मैं हर बार बोलता हूँ अपने ब्लॉग में, जहाँ पर शांति होती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है और नेचर के आप बहुत करीब होते हो। और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि यार बालकनी इतनी बड़ी सी है और यहाँ पर जो फॉग सामने से बार बार ऐसा उड़ता हुआ जा रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप में मेडिटेशन है भाई। ये वाला जो रूम अभी हम देखने आए ना, इस रूम में डबल बेड लगे हुए हैं, मतलब अगर चार लोग पांच लोग आते हैं आप फैमिली के साथ तो यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ का वॉशरूम देखो कितना सही है, इधर बाथ टब है। और बेस्ट पार्ट अभी भी बताई स्नेहल ने कि जब आप विंडो खोलेंगे ना यहाँ से तो सामने कंचनजंगा माउंटेन का व्यू आता है। इससे बेटर मतलब क्या हो सकता है, आप सुबह सुबह बाथ टब में बैठे हो और सामने कंचनजंगा माउंटेन रेंजेस दिख रही है, बहुत कूल। अच्छा। थोड़े कम बचे हैं लेकिन ये पूरा उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने ऐसे ही उगा दिया और वही हमारा फॉरेस्ट बन गया है, वही हमारे लिए व्यू बन गया है। आई थिंक 30 साल 30-35 साल हो गए और अपने आप में ये एक फॉरेस्ट टाइप का जो होता है ना एम्बियंस एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट हो गया है, तो ये भी बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है एक्चुअली। स्नेहल बोल रही है कि मतलब आप सुबह सुबह उठोगे तो बहुत सारे बर्ड्स आपको दिखेंगे, तो ये तो खैर मुझे नहीं पता था लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले फील किया कि यहाँ पर इतनी सारी आवाज़ें आती है ना आप, क्योंकि चारों तरफ इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है तो चिड़ियों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें या लोग भी थोड़ा सा बात करते हैं तो वो एक एक आवाज़ को बहुत क्लियरली सुन सकते हो, क्योंकि इसके अलावा और कोई आवाज़ है नहीं, गाड़ियों की चहल पहल वगैरह होती नहीं है यहाँ पे, तो वो भी एक अपने आप में एक यूएसपी है जाएगी। और आई होप सुबह सुबह अगर मौका मिला तो हम बर्ड्स देखेंगे यहाँ से, कंचनजंगा, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। इसका एक्चुअली सीजन क्या होता है यहाँ पर आने का, जिस समय? नहीं नहीं, ये सीजन है, अप्रैल में डेफिनेटली सीजन है। अच्छा। एंड जून इज आल्सो सीजन एंड देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हर दिन आपको कंचनजंगा दिखेगा, हर दिन की बारिशें हट जाती हैं, फिर एकदम क्लियर व्यूज होते हैं तो राइट। तो अगर आप वैसा प्लान कर रहे हो कि आपको बिल्कुल क्लियर व्यू चाहिए तो आप अक्टूबर नवंबर के समय में आ सकते हो, लेकिन ये वाला वेदर भी बहुत अच्छा होता है और ऐसा रेनी सीजन में भी ऐसा वेदर होता है, जुलाई अगस्त, तो एक्चुअली एवरी ऑल द सीजंस आर गुड। ये इस रिजॉर्ट के पीछे का हिस्सा और यहाँ पर देखो 3D पेंटिंग्स बना रखी है। तो जब आप दार्जिलिंग आते हो तो यहाँ की कुछ मशहूर और फेमस जगह हैं, टॉय ट्रेन है, यहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, पीछे कंचनजंगा माउंटेन रेंजेस है और वो है रेड पांडा। जब हम लास्ट टाइम आए थे दार्जिलिंग तो जू गए थे दार्जिलिंग के, तो वहाँ पर हमने देखा था, तो रेड पांडा जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है, तो वो भी एक सिंबल है यहाँ का, रिप्रेजेंट करता है दार्जिलिंग को। तो एक कंप्लीट पेंटिंग बनाई है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, बहुत अच्छी खूबसूरत सी पेंटिंग है ये। बारबेक्यू का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, ये देखो यहाँ पर बारबेक्यू भी लगा हुआ है। और ये जो है ऑर्गेनिक फूल गोभी होने, पत्ता गोभी होने वाला है।
अच्छा जी जी ओके तो फार्मिंग पीछे भी होती है और यहाँ पर भी इन्होंने काफी सारे खेती कर रखी है ये सब क्या आपने बताया क्या है ये पत्ता गोभी का है ये पत्ता गोभी यहाँ पे बोया हुआ है नर्सरी में तो ब्रोकली हो भी चुकी है आपको दिखाऊंगी अच्छा उग चुका है हम लोग को फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है कि फार्म से आप देखो अच्छा। तोड़ो और हमारे शेफ को दो और बना देंगे अच्छा नाइस आप अगर एज ए गेस्ट यहाँ पर आते हो ना तो आप चूज कर लो आपके सामने बहुत सारे वेजिटेबल्स यहाँ पर दिखेंगे ऑर्गेनिक आपको चूज करना है कि भाई आज क्या मन है आपको खाने का तो आपने बोला पत्ता गोभी खानी तो आप आइए खुद तोड़िए उसको और अपने शेफ को जाके यहाँ पर दीजिए यहाँ पर जो शेफ है वो आपके लिए जिस तरीके से बोलेंगे वैसे बना देंगे जिस तरीके से बोलेंगे वैसे बना दिया जाएगा बहुत अच्छी बात है ये मतलब थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है अच्छा है मतलब आपको बहुत ही होमली एटमोसफियर मिलेगा अगर आप यहाँ पर आते तो राइट सही बोल रहा हूँ मतलब सारा जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये हाँ. मतलब हम लोग जो काउडंग है ना हाँ. उससे फार्मिंग होती है यहाँ okay. या लीव्स जो डीकम्पोज होते हैं देयर इज नो नॉट अ सिंगल केमिकल यूज्ड नॉट अ सिंगल पेस्टिसाइड नथिंग यहाँ के लोग एक्चुअली बिलीव करते हैं कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज करेंगे केमिकल मिट्टी खराब हो जाएगी सो वी ओनली यूज काउडंग मैन्योर और डीकम्पोज लीव्स का खाद right. उसी से बनता है तो हम 100% ऑर्गेनिक फूड को आज टेस्ट भी कर लेते हैं चल के आइए आपने मेरा वीडियो नहीं देखा आसाम का आप आसाम से हो ये जो मैडम है यहाँ पे शेफ हैं आपका नाम अंजलि बर्मन जी और ये भी आसाम से ही हैं तो मुझे ऐसा बड़ा अजीब लगा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा क्योंकि आसाम से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जब भी मैं आसाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता तो बहुत लोग देखते हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं तो हम भी देखेंगे अभी हाँ अब देखेंगे मैं अब देखेंगे तो ये राइस है दाल है और ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं बेसिकली और इधर पापड़ चटनी दही है वो गुलाब जामुन भी आ रहा है अच्छा और गुलाब जामुन भी है आपकी पसंद क्या है बोल दीजिएगा हम बनाएंगे हाँ, मैं हम दिल से हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे आप बताइए क्या टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खाने में सिर्फ करेला एक ऐसी चीज है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ खाना उसके अलावा मुझे लगता है मैं सब कुछ एवरीथिंग यहाँ का जो मुझे लगता है कि बेस्ट फूड है वो तिब्बतन फूड ज्यादा ऑथेंटिक वही होता है ना मोमो ट्राई करेंगे आप मोमोज या फिर थुप्पा होता है वो बहुत ही ज्यादा थुप्पा ना वेजिटेबल थुप्पा जो वेजिटेबल थुप्पा आप बोल रहे हैं ना वो बहुत ही टेस्टी होते हैं और उससे पेट भरता है और सबसे बड़ी बात है कि वो खाने के बाद हैवी भी नहीं फील होता है ना पेट भर जाता है और ये मौसम में तो बहुत ही मतलब जरूरी है खाना थुप्पा ये आ गया हमारा गुलाब जामुन टेस्ट कर लेते हैं और ऐसा सच में फील कर सकता हूँ कि मतलब खाने का जो टेस्ट है ना पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक फूड है क्या होता है जो ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती है ना मैंने भी जितना एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से वो बहुत जूसी होती हैं जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा यही है सब्जियों में जूस बहुत होता है और ये गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ऑफ बीट लोकेशन है लास्ट टाइम जब मैं दार्जिलिंग आया था तो मैंने सिर्फ वही जगह को एक्सप्लोर किया जो टूरिस्ट प्लेस है ऑफ बीट प्लेस नहीं देख पाया था क्योंकि टाइम बहुत कम था दो दिन का टाइम लेकर आया था उसके बाद मुझे सिक्किम निकलना था तो इस वजह से ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया लेकिन इस बार मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला मेरिक में जो कि ऑफ बीट डेस्टिनेशन है अगर आप दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं तो रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा है तो अगर समर वेकेशन में आप लोग अप्रैल मई जून के समय अगर आप प्लान कर रहे हो कोई ऐसी जगह पर आने का जहाँ पर आपको बहुत अच्छा वेदर मिले पीसफुल एटमोसफियर मिले फैमिली के साथ आना चाहते हो या अकेले आना चाहते हो जैसे भी अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ये जगह बहुत अच्छी है बाकी इस प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल्स हैं यहाँ का जो नंबर वगैरह है सब मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा तो अगर आप लोग चाहो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अगर आप मेरिक में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चार पाँच ऐसे स्पॉट हैं टूरिस्ट स्पॉट है तो उसे चलकर हम कल कवर करेंगे फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा चैनल पर पहली बार आ रहे हो वीडियोज अच्छे लगते हैं तो ज़रा सपोर्ट करो लाल वाला बटन दबा के जाओ सो एनफ फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल